लो जी, गैंगरेप का एक और मामला दर्ज। बरेली जंक्शन पर रहने वाली एक युवती ने 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि उसे जंक्शन से अपहरण करके उसका गैंगरेप किया गया है। आरोप है कि ऑटो में डालकर रात 12 बजे लड़की को किला थाना के सुनसान इलाके में ले गए। वहीं जीआरपी मामले की जाँच में जुटी हुई है। जंक्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी आरोपियों की पहचान। हालांकि जंक्शन से जवान लड़की का अगवा करने की बात अजीब सी है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। फिलहाल किशोरी के आरोपों में कितनी सच्चाई है तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। तो मैं तेरे साथ तेरे को मार दूंगा, जान से तुम्हें 12 बजे ले गए, तेरे को 4 लोग थे, एक का नाम याद थी, दो का नाम अब याद आ गया, एक का नाम अनिल, एक का नाम पवन। जान से मैं ले, वो लोग एक कह रहा तू पहले, पवन उससे गए तो दो लोग, तीन एक दो लोग का नाम याद थे, दो का याद थे, मेरे साथ गंदा काम करा। हाँ, किला से थोड़ा आगे जाऊंगी, उधर को एक सिर पड़ता है, उधर से थोड़ा अगर मर गया तो यही से ले लेते हैं। कुछ नहीं भाई, हम लोग बैठे हुए ऐसे पार्टी की मांगती हूँ क्या से। हाँ, खेत में एक कमरे में बहुत बड़ा कमरा है, ये नहीं पता वहाँ जगह जानती हूँ कहाँ पर ले गए, रहती हूँ मांग के आती है, मम्मी ने क्या घर बना लेंगे तब मैं ले आऊँगी। मेरे पापा मेरे ससुर वाले पापा मेरे पट्टे ये उनसे याद आ जी। मैं कल सुबह निकला 9-10 बजे करीब घर से अपने, तो मैं एक नंबर पे आ रहा था, उस टाइम मुझसे लीजिए उसकी रसीद काटने के लिए, तो मैंने रसीद नहीं काटी उधर, तो ये रो रही थी तो मैंने पूछा क्या हो बेटा ऐसा है, मैं नहीं रहना है 24 घंटे, और हम भी नहीं रहते, तो जब देखते तो हैं, हम जानते भी हैं कि यहाँ भी यहाँ रहती है। अब इनने बताया मेरे संग ऐसा हुआ कि 4 लोगों ने 3 टेम्पो वाले बिठाल के ले गए थे, और जहाँ ले गए वहाँ के चौकीदार मतलब चौकड़े से आगे कहीं या किले से आगे कहीं पुल होगा उससे आगे, उसके संग एक कमरे में वहाँ का चौकीदार भी है सर, तो जैसे हमारे लोग ये बोल रहे कि मैं इसे ले गए सीधे चौकी चला गया। जब चौकी पर गया पूरी घटना बताई उन्हें चौकी इंचार्ज साहब को वहाँ के, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने उसी टाइम उससे लड़की को भेजा। अभी अशोक की लाइट करने का मामला था, उन्होंने कह दिया थाना जीआरपी का मामला है, थाना जीआरपी का मामला है। अब मैं जैसे शाम को पेट में दर्द हो गई, मैंने कहा था मैं गोली ला देता हूँ, गोली ला के मैं चला गया घर। सुबह जब उठ के आया तो मेरी भांजी की तबीयत खराब थी, यहाँ सिटी में मेरा दोस्त बहन भांजी है, मुझे लेकर वो सब वहाँ चला गया, वहाँ थाना बली सरकार होके आए, वहाँ से होकर आने के बाद जब मैं आया तो मुझे किसी ने बताया जो चाची पे आप जो है सच करो, मैंने जो फोन कर दिया वहाँ से जो जाती आए। अब अकेले तो एकदम नहीं जाया जाता, 4 लोग को इकट्ठा करके जाया जाएगा, अकेले तो वह सब पूरा फैल जाता है, कहीं किसी के लिए जाओ आजकल जवान ही नहीं है अकेले जाने का। जी अब उसकी 15-16 साल की बच्ची है, उसके साथ रेप की सूचना मिली है, और ये रेलवे स्टेशन बरेली जंक्शन के ठीक सामने एग्जिट के सामने डिवाइडर है वहीं पे बता रही है जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ, और हम लोग जाल देखा है कि अभी सीसीटीवी में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन FIR पंजीकृत करा रहे हैं और डॉक्टर के लिए भेज रहे हैं। ये 4 लोगों द्वारा 3 ऑटो चालक और एक चौकीदार पे आरोप लगा रही है, किला रोड पे कहीं ले जाकर बात बता रही है, तो देख के जब पता चलेगा कहाँ जा रही है, 4 पे लगा रही है।
हाँ, उनमें से एक का नाम बता रही है पवन है और एक का नाम अनिल बता रही है। इसका ये कहना है कि जब पिता जो चाय की दुकान करता है शाहजहाँपुर में और माँ रेलवे ट्रेनों में भीख मांग के अपना घर चलाती है, ये भी अपना भीख मांग के ट्रेन की रात भर पेट भर लेती है और रात गुजार लेती है। ये रात की बात बता रही है, 24 बटे 25 की बात है, रात की 12 बजे।